हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम पहले बात किया था हमने क्या, हमने पीएलसी के मॉडल नंबर को कैसे पता करते हैं और उसका कैटल नंबर को कैसे हम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पीएलसी की बेसिक वायरिंग देखेंगे। यह वायरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैडर लॉजिक भी सीख लें या आप कुछ भी आप थ्योरेटिकल आप जानते में हो, तो फिर भी वायरिंग इज़ बहुत ज़रूरी है। हम थ्योरेटिकल तो हम बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, हमें नॉलेज भी होती है काफ़ी कुछ, बट जब तक हम वायरिंग करना ना आए तो तब तक हम एक परफेक्टली इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। कि आपको एक वायरिंग भी नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम वायरिंग की बात करेंगे और पहले बेसिक ओवरव्यू देख भी लेंगे कि यार हमारा जो ये हमारी कोई भी एक पीएलसी है तो उसके अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वायरिंग से लेके। तो यहाँ पे हम वायरिंग को लेके हम तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारे हैं पावर वायरिंग के ऊपर, इनपुट वायरिंग के ऊपर और आउटपुट वायरिंग के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक ओवरव्यू तीनों के तीनों वायरिंग के बारे में हम जानेंगे, यार ये जो वायरिंग हम किस लिए कर रहे हो और किस चीज़ के लिए। हाँ, तो इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था आपको, जो मैं पीएलसी लेके चलूँगा माइक्रोलॉजिस्ट 1000, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कोई भी बिगनर के लिए इस फील्ड में आ रहा है जो, हाँ, ये जानना चाहता है। तो पावर वायरिंग से हमें साफ पता चल रहा है, पावर वायरिंग मतलब कि यार जैसे कि मेरे पास कोई स्टेबलाइजर है, उसका काम क्या है, हमारे वोल्टेज को रेगुलेट करना। जब तक हम स्टेबलाइजर के अंदर हम इनपुट नहीं देंगे या उसे पावर नहीं देंगे, तब तक वो हमारे किसी यूज़फुल का नहीं है, वो आउटपुट नहीं देगा। उसी तरीके से हमारा इंडस्ट्री में यार वैसे भी देखा जाए, अगर मेरे पास कोई पीएलसी है उससे मुझे यूज़ करना है, उससे मुझे काम लेना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट उसे मैं पावर दूँ। हाँ, पावर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही उस पर पावर जाएगा वो अपना काम करना शुरू करेगा। फिर उसके बाद इनपुट वायरिंग या आउटपुट वायरिंग, वो बात की बात है, ठीक है। तो पावर वायरिंग के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के हमारे पास वो है, हमारे पास करंट है, हमारे पास एसी करंट है और डीसी करंट है। अगर देखा जाए कि पीएलसी हमारे दोनों स्टेजेस में आते हैं, डिफरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ों में अवेलेबल है। हमने पहले भी बात की थी, कैटलॉग नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि यार वो जो हम उस पर पावर देने वाले हैं वो उसमें एसी देंगे या डीसी देंगे। एसी देंगे तो 220 वोल्टेज में हो सकता है, हमारे पास डीसी में 24 वोल्टेज से लेके 0 वोल्टेज तक, -24। यहाँ पे एसएमपीएस का यूज़ करेंगे हम जब इसे देने की बात होगी, हमें हमारे पीएलसी को देने की बात होगी। एक बार थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक पीएलसी है माइक्रोलॉजिस्ट 1000 के, एक आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास एक पीएलसी है माइक्रोलॉजिक्स 1000, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी तरह की वायरिंग कर रखी। तो हम इसी वायरिंग को हम जानना है इस वीडियो के अंदर, क्या ये वायरिंग कैसे होती है और किस किस तरीके से परफेक्टली एक मतलब एक सीक्वेंस में कैसे करें। तो एक बेसिक आइडिया यहाँ पे भी मैं बता दूंगा क्या है। जैसे ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 हमारे पास पीएलसी है, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें बहुत सारे टर्मिनल्स हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार इन टर्मिनल्स को देख के, यार कहाँ पे क्या चीज़ लगाएं। काफ़ी बार मतलब मैं भी जब स्टार्टिंग स्टेज में था तो मैं भी सिंबल्स को देख के घबरा जाता था, यार यहाँ पे क्या लगेगा। हाँ, तो मान लीजिए ये मेरे पास पीएलसी है, ये सेम पीएलसी का डायग्राम है माइक्रोलॉजिस्ट 1000 का, ये कैटलॉग नंबर मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो इस केस में आप देख सकते हैं क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पे टर्मिनल हैं। तो इसमें जो हम पावर देंगे, पावर वायरिंग की बात करें, तो यहाँ पे टॉप पे मतलब कोई मेरे पर ये पीएलसी है, तो यहाँ पे टॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे दो टर्मिनल होंगे जो कि हमें पावर सप्लाई ये क्या हमारे इनपुट को देगा। तो देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे जो हम पावर देंगे हम अपने पीएलसी को देंगे, तो ये बॉटम से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्मिनल है, L1 L2 इंडिकेट कर रहे होंगे, तो वो हमारे क्या है, ये हम पावर देने के लिए। समटाइम्स यहाँ पे जैसे L1 L2 तो हमें साफ पता चल रहा है, यहाँ पे हमें क्या एसी पावर को देना है। तो इसी तरीके से कई बार यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा कि हमें इसे डीसी पावर देना है। तो यहाँ पे भी आप देख लें, जो मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड में ये रहा हमारे पास इंडिकेट, तो ये क्या है, वो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में यहाँ पे दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल को इंडिकेट क्या करेगा, पावर सप्लाई लाइन पावर। तो इस सब समझ आ रहा है कि इन दो टर्मिनल पे, इन दो नोड पे मैं क्या करूँगा, मैं जो लाइव वायर है और न्यूट्रल की वायर है मैं डायरेक्ट अटैच कर दूंगा। तो आप कोशिश करें जो हम इसमें हम सप्लाई दें वो हम बाय द हेल्प ऑफ SMPS के थ्रू ही दें, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों हमें बचा भी लेगा। और मतलब कि जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हमें ADC की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे बहुत सारे हमारे सेंसर्स हैं, हमारे पास टॉगल बटन है, या हम जो NONC बटन है, तो उन सब चीज़ों के लिए DC की ज़रूरत है। तो SMPS मतलब मोस्टली हर केस में लगता ही है हमारे हमारे PLC के साथ। तो हम बाकी बाकी टर्मिनल को देख लेते हैं। अब इसी के टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर दो और टर्मिनल हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं, दो दो और टर्मिनल है, दो नंबर DC आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, और नॉट यूज। अगर आप मतलब कि मैं इनपुट पे मेरे पास NO है, NC है, सेंसर्स हैं, उन सबको मैं पावर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं समटाइम। पर मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास SMPS है वहाँ से हम ले लेते हैं, जिससे कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो और मतलब एक करेक्ट रिजल्ट हमें मिल सके। तो बाकी इधर से अब टॉप के हम देख लेते हैं। टॉप में हमारा होता है इनपुट मॉड्यूल और हमारे बॉटम में होता है आउटपुट मॉड्यूल। इसी चीज़ को अगर आप उस वे से देखें, मैं एक डायग्राम आपको स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने दिखाया था क्या था, अगर उस स्टेज में देखें तो ये रहा हमारा इनपुट मॉड्यूल, ये रहा हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये रहा मेरे पास इनपुट मॉड्यूल, ये रहा मेरा आउटपुट मॉड्यूल, ये बीच में जो हमारा है, जो हमारा काम करने वाला है, और ये मेरा पावर के लिए, पावर सप्लाई के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ को हमें इंडिकेट करें, जो मैंने कहा था कि NONC ये सब क्या है, इनपुट टर्मिनल पे आएंगे और आउटपुट के लिए हमारे जो जो हम जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम चीज़ हम यहाँ पे पावर देने वाले हैं इनपुट टर्मिनल के लिए। हमारे पे टॉप पे नोड्स हैं सारे के सारे, वो भी जानेंगे यार है कि कैसे हम इस चीज़ को वायरिंग करते हैं। पर आप इस वीडियो में ध्यान रखना कि हम जो पावर देंगे हम बॉटम से हमारे पे जहाँ पे L1 L2 यहाँ पे हम AC DC, आपको उसके मैनुअल को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कौन से किस चीज़ के लिए टर्मिनल है। बेसिक माइक्रोलॉजी के अंदर बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, उसी के टॉप में हमारे पास DC आउटपुट टर्मिनल होता है, हम समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं हम हमारे इनपुट कंपोनेंट को पावर देने के लिए या उन्हें वर्किंग में लेने के लिए। उस चीज़ को जानना है, मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाऊंगा। और यहाँ पे आपको टर्मिनल आपके पास है, ये रहा, ये था, ये किस चीज़ के लिए, काफ़ी बंदे कंफ्यूज रहते हैं, ये RS-233 कम्युनिकेशन चैनल है। ये मतलब खुद ब खुद तो काम करने नहीं वाला PLC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड टू कि हम इसे क्या करें, इसे प्रोग्राम करें। तो प्रोग्राम करने के लिए ये यहाँ पे हमें नोड दे रखे हैं, हम बाय द हेल्प ऑफ सिस्टम लैडर लॉजिक बना के फिर हम इसमें इंस्टॉल करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें इनपुट के नंबर ऑफ इनपुट कितने, आउटपुट कितने, किस चीज़ को कंट्रोल करना है उस अकॉर्डिंग, और किस सीक्वेंस को हमें चलाना है, तो उस तरीके से लैडर लॉजिक बनेगा और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे इसके अंदर बाय द हेल्प इस RS-233 कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ठीक है। और ये हम बॉटम में हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, और ये नीचे जितने टर्मिनल दिख रहे हैं ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल टर्मिनल है, ठीक है। तो ये हमारा था AC पावर और DC पावर के लिए, या तो हम कह सकते हैं पावर सप्लाई लाइंस के लिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम इनपुट वायरिंग के बारे में, फिर उसके बाद हम आउटपुट वायरिंग के लिए ले चलेंगे। या बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए यार, किसी भी इंडस्ट्री में हम जा रहे तो एक आइडिया मिल जाए यार कैसे कोई चीज़ होती है, तो हमें डिफ़िकल्टी फेस ना करना, क्योंकि एज अ फ्रेशर हम कभी भी कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रियलिटी जो है। कई बार कई लोग क्या होते हैं, बैक स्टेप ले लेते हैं, यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो यार एक आइडिया मिल जाता है ना तो यार हर बंदा कर जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इनपुट वायरिंग के बारे में, और अब हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें जिसमें और भी हमने वीडियो बना रखी है। थैंक यू सो मच।